हेलो स्टूडेंट, आई एम कुलदीप कुमार। आई विल टीच यू अबाउट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एफई लेटर्स स्टार्ट। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हम यहाँ पर 10th और 11th के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है समांतर श्रेणी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में जानने से पहले हम यहाँ पर ध्यान देंगे। कंसीडर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर, हम निम्नलिखित नंबर पर ध्यान देंगे। फर्स्ट टर्म में 1, 2, 3, 4, सेकेंड में 100, 70, 40 और 10, और थर्ड में है 3, 3, 3, 3। इन फर्स्ट टर्म ईच नंबर इज वन मोर देन द प्रीसीडिंग टर्म। प्रत्येक संख्या जो आगे वाली संख्या जो है पिछले संख्या से एक अधिक है। एंड इन सेकेंड टर्म ईच नंबर इज 30 लेस देन द टर्म प्रीसीडिंग इट। और दूसरे में जो है प्रत्येक संख्या जो है पीछे वाली संख्या से 30 कम है। और तीसरे टर्म में ईच नंबर इज 0, मतलब क्या किसी में इंक्रीजिंग नहीं हो रहा है। इसी चीज से जो हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में आपको बतलाएंगे। और ईच ऑफ द नंबर इन द लिस्ट इज कॉल्ड अ टर्म। और 1, 2, 3, 4, 100, 70, 40, 10 है, इन सबको हम टर्म कहते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में जो है, इन द लिस्ट अबव वी आर सीइंग दैट सक्सेसिव टर्म आर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। एंड सच लिस्ट ऑफ नंबर इज सेड टू फॉर्म एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। प्रत्येक टर्म में जो है सक्सेसिव टर्म जो है प्रीसीडिंग टर्म में फिक्स नंबर को जोड़ने के बाद एक सक्सेसिव टर्म आता है, उसी लिस्ट ऑफ नंबर को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। एंड दिस फिक्स नंबर इज कॉल्ड अ कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एफई। एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल डी। इसे कॉमन डिफरेंस ऑफ एफई कहा जाता है। कॉमन डिफरेंस ऑफ एफई। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हम डिफिनेशन बोलेंगे। फ्रॉम द अबव लिस्ट वी आर गोइंग टू से द डिफिनेशन ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सक्सेसिव टर्म आर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एंड सच लिस्ट ऑफ नंबर इज सेड टू फॉर्म एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एफई। और जो कॉमन डिफरेंस के बाद में कहे दिस, मतलब यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म, देखिए इन फर्स्ट टर्म 4 + 1 यदि हम एड करेंगे तो +2 होगा, +1 फिर एड करेंगे 3 + 1 हम फिर एड करेंगे तो 4। मतलब दिस फिक्स नंबर इज कॉल्ड अ कॉमन डिफरेंस एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल डी। और कॉमन डिफरेंस एफई का कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो कॉमन डिफरेंस होता है पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो हो सकता है। अब देखिए हम आपको बतला रहे हैं, जैसे कि फर्स्ट टर्म को हम A1 से सूचित करते हैं, यहां पर आपको लिख दे रहे हैं फर्स्ट टर्म को A1 से सूचित करते हैं, सेकेंड टर्म को A2 से इसी तरह से सूचित किया जाता है। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के क्रम में A2 - A1 = A3 - A2 = इसी तरह से यदि nth टर्म है, किसी एपी में nth टर्म है तो An - An - 1 वह कॉमन डिफरेंस होगा। ये एपी के हम आपको एपी के डिफिनेशन बतलाए और एपी के कॉमन डिफरेंस के बारे में जानकारी दिए। इसके बाद आता है एंड टर्म ऑफ एन एपी। बंद कर लो। अब देखिए हम आपको एपी के डिफिनेशन बतलाए, जो है एक निश्चित सीरीज को पालन करता है। और उसके बाद में हम एपी के कॉमन डिफरेंस के बारे में बतलाए, तो इट इज एपी के कॉमन डिफरेंस को डी से सूचित किया जाता है। फिक्स नंबर इन ए ग्रुप इन ए टर्म इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एफी। अब देखिए हम एफी के एन टर्म के बारे में चर्चा कर रहे हैं। एन टर्म ऑफ एन एफी इज गिवन बाय
a1 an is equal to a plus n minus 1 into d. an को ap का n टर्म से सूचित करते हैं और an के जगह पर हम tn भी लिख सकते हैं। अब देखिए हम बतला रहे हैं यहाँ वेयर a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, a इज इक्वल फर्स्ट टर्म, a को प्रथम पद कहा जाता है हिंदी में और n जो है nवां पद nth टर्म और d है वह ap का कॉमन डिफरेंस है। अब हम आपको वी आर गोइंग टू प्रूफ प्रूफ द फॉर्मूला एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखिए हम यहाँ पर विचार कर रहे हैं, कंसीडर द फॉलोइंग टर्म, लेट ए वन ए टू ए थ्री ए फोर इस तरह से ए एन है। अब ध्यान दीजिए हम ए टू जो लिखते हैं हम क्या करते हैं, ए वन प्लस कॉमन डिफरेंस ए वन प्लस डी। इसी तरह से यदि हम ए थ्री लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए टू प्लस डी। ए टू प्लस डी कहने का मतलब ए प्लस थ्री माइनस वन इंटू डी, और इसको कैसे लिखेंगे, ए प्लस टू माइनस वन इंटू डी। ए फोर यदि लिखेंगे तो ए थ्री प्लस डी। हम जानते हैं प्रत्येक टर्म जो है सक्सेसिव टर्म जो है प्रीसीडिंग टर्म पर इक्वल नंबर जोड़ने के बाद या घटाने के बाद हमको आता है, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग के बाद हमको सक्सेसिव टर्म आता है एंड दैट फिक्स नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एफ। इसी तरह से हम ए फोर को लिख सकते हैं ए प्लस फोर माइनस वन इंटू डी। लुकिंग एट द अबव टर्म वी कैन राइट ए एन इज इक्वल टू ए एन माइनस वन प्लस डी इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये एन टर्म ऑफ एन एफ ही होगा एंड विच इज ऑल्सो डिनोटेड बाय टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो हम आपको एन टर्म ऑफ एन एफ के बारे में आपको हम बतलाए हैं, एन टर्म ऑफ एन एफ के बारे में बतलाए हैं जो एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला के बारे में किस तरह से एक सीरीज को पालन करके निर्माण होता है इसके बारे में आपको बतलाए। हमने आपको एपी के बारे में बतलाया, एपी का डिफिनेशन बतलाया, कॉमन डिफरेंस बतलाया, जो कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी होता है सक्सेसिव टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, कहने का मतलब जैसे हम दो टर्म है एपी में तो ए टू माइनस ए वन, थ्री टर्म ए थ्री माइनस ए टू और ए एन माइनस वन इज इक्वल टू डी। ये आपको एपी का कॉमन डिफरेंस है। और फॉर द एपी हम एक क्वेश्चन बतला रहे हैं आपको इस बारे में, फॉर द एपी थ्री बाई टू वन बाई टू माइनस वन बाई टू माइनस थ्री बाई टू राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी। हम जानते हैं ईच ऑफ द नंबर इज कॉल्ड टर्म, तो फर्स्ट टर्म आपका ए जो है थ्री बाई टू हो जाएगा और कॉमन डिफरेंस के बारे में जानते हैं आप इसमें से कॉमन डिफरेंस चारों टर्म में से कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। जैसे देखिए ए वन इज इक्वल टू हम थ्री बाई टू लिखेंगे, ए टू इज इक्वल टू वन बाई टू लिखेंगे और ए थ्री इज इक्वल टू यहां से लिख लीजिए माइनस वन बाई टू और ए फोर इज इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू। तो कॉमन डिफरेंस हम किसी भी सक्सेसिव टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को घटा कर लिख सकते हैं। जैसे कि निकाल रहे हैं ए टू माइनस ए वन से हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो वन बाई टू माइनस थ्री बाई टू। अब देखिए दो कैल्शियम दो हो गया, मैथमेटिकल टूल्स लगाना है, वन माइनस थ्री मतलब माइनस टू बाई टू माइनस वन जो है इसका कॉमन डिफरेंस आया। आप इसी तरह से ए थ्री माइनस ए टू से भी निकालिएगा तो माइनस वन आएगा। देख आपको दिखाते हैं माइनस वन बाई टू माइनस वन बाई टू। अब देखिए टू हो गया माइनस वन बराबर माइनस टू बाई टू, आंसर आपको माइनस वन आ गया। इस तरह से हम एफी के कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। हम आपको एफी के एन टर्म के बारे में बतलाए थे जो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। इसी फॉर्मूला पर एक क्वेश्चन हम बतला रहे हैं, फाइंड द टेंथ टर्म ऑफ द एफी टू सेवन ट्वेल्व, इसी तरह से बढ़ते जा रहा है। देखिए यहां पर इस क्वेश्चन में हेयर
फर्स्ट टर्म को हम ऐसे सूचित करते हैं, ऐसे इंडिकेट करते हैं, तो ए यहाँ पर 2 हो गया। और कॉमन डिफरेंस के बारे में, डी के बारे में आपको बतलाया है, किसी भी सक्सेसिव टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को घटाइएगा एक एपी के सीरीज में, तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो 7-2 करेंगे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो मेरे पास 5 जो है डी आ गया। और हमको एंथ टर्म ज्ञात करना है, तो एंथ टर्म क्या है, 10वां पद है, 10th है, तो एंथ का वैल्यू यहाँ पर 10 होगा। फ्रॉम फॉर्मूला एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से यदि हम पुट करेंगे ए एन का वैल्यू, ए टेन का वैल्यू, तो हमको आ जाएगा ए 2 प्लस एन का वैल्यू 10 है, तो एन का एन की जगह पर हम 10 लिखेंगे, 10 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 5 है, इस तरह से हम पुट करेंगे। अब देखिए 2 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू 5, 2 प्लस 9 इंटू 5 45 और 2 47, यह एपी का 10th टर्म हम ज्ञात कर लिए। हमने आपको एपी के कॉमन डिफरेंस के बारे में बताया और एपी का डिफिनेशन मतलब और एपी के एन टर्म के बारे में बताया, और इस दोनों पर एक एक क्वेश्चन करवाए। नेक्स्ट वीडियो में आगे का चर्चा करेंगे।